और आप सब जानते हैं कि लगभग 90,000 से ऊपर आपको हम लोग हैंडआउट भी देंगे कि 90,000 से ऊपर रिक्तियां थी जिसके विरुद्ध नियोजन की कार्रवाई चल रही थी। और अभी तक जहां तक नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है लगभग 42,000, वो सही संख्या आपको हम लोग दे देते हैं, लगभग 42,000 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है। मतलब वो नियुक्ति की प्रत्याशा में रुके हुए, जो आप लोग भी देखते होइएगा बराबर, उनके तरफ से भी मांग आती थी कि नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था कि जब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है, इस बीच में प्रमाण पत्रों की जांच चल रही थी, अब उसमें प्रमाण पत्र जो दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो जो TET होता है, BTET हो या जो CET हो, तो उसकी जांच होती है, और दूसरे जो उनके प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होते हैं, तो इन दोनों की जांच चल रही थी। और उसमें ऐसा पाया गया है या ये अनुभव है कि चूंकि BTET या CET का तो सब ऑनलाइन किया हुआ है, तो उसका हम लोग लगभग 95% तक जांच पूरा कर चुके हैं चयनित अभ्यर्थियों के, और जो बच गए हैं वो भी हम लोग 2-4 दिन में पूरा कर लेंगे। लेकिन जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं वो ऐसे ऐसे संस्थानों से हैं कि जो पूरे देश भर में फैले, तमिलनाडु का है, केरला का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, असम का है, राजस्थान का है, तो उन प्रमाण पत्रों के जांच में समय लग रहा है। और कहीं कहीं से उन संस्थानों द्वारा भी जो सहयोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर उसमें और अधिक समय लगने की संभावना है। लेकिन अब जब सरकार के निर्णय के हिसाब से विद्यालय पूरी क्षमता में खुल चुके हैं, 100% उपस्थिति की अनुमान्यता हो गई है और हमारे विद्यालय चलने लगे हैं, 21 से हम लोग मध्यान्ह भोजन भी शुरू कर रहे हैं, वैसी हालत में जो शिक्षकों की कमी है, जैसा कि हमने कहा कि 90,000 की तो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच में भी और कुछ रिक्तियां हुई हो, तो इतने भारी संख्या में शिक्षकों के अभाव में जब हमारे विद्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तो पढ़ाई पर बड़ा ही बुरा असर पड़ने की संभावना है। तो इसके मद्देनज़र भी, और दूसरी बात, हमारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी धैर्य की सीमा है कि जब एक बार चयन हो गया है, मतलब उनकी नियुक्ति पक्की है, तब महीनों इंतजार करते रहें तो ये हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस संबंध में हमने सरकार में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श किया, तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया जाए। और उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये है कि जो सारे प्रमाण पत्रों की जांच को हम लोगों ने आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये STET वाला या TET जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं उसको केवल आवश्यक करते हुए, जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा खुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा,
तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम चल रहा है और आगे भी हम लोग तेजी से करेंगे, लेकिन जिन लोगों का चयन कार्य पूरा हो चुका है उनको हम अगले सप्ताह यानी 23 तारीख से हम नियुक्ति पत्र का वितरण काम शुरू कर देंगे। 23 तारीख से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लगातार, और ये नियुक्ति पत्र जो उनकी नियोजन इकाइयां हैं उसके द्वारा, जो सामान्य रूप से चूँकि नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो नियोजन इकाइयों द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं उनके अनुश्रवण में उनके द्वारा नियोजन पत्र नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और नियुक्ति पत्र प्राप्ति के साथ ही वो योगदान भी कर सकते हैं। इसलिए उस दिन से उनके सर्विस की, उनकी सेवा की मान्यता या उनका सेवा काल प्रारंभ हो जाएगा, और जिन अभ्यर्थियों के सारे प्रमाण पत्रों, खास तौर से दोनों प्रमाण पत्र टीटी वाली और प्रशिक्षण वाली, दोनों प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, उनका तो वेतन भुगतान भी तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा, और जिनका कोई प्रमाण पत्र का सत्यापन बाकी है उनका भुगतान वो सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। हालांकि उनकी वरीयता, उनके वेतन की देयता उनके योगदान की तिथि से बनी रहेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर बिना सत्यापन किए देने में फिर वित्तीय अनियमितता और फिर रिकवरी और फिर तरह तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के हित में, छात्र के हित में और प्रारंभिक शिक्षा के हित में हम लोगों ने आज लिया है कि हम 23 से उनको प्रमाण नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, उनके पदस्थापन के संबंध में भी विभाग के द्वारा जो नियोजन इकाइयां हैं उनको दी जा रही हैं।